अब पूरी छाड़ दो, केरी जाने सहरी कर लो। रूड़ा आइए, मुझे एक कालतू दास मेरे कलिया दा रूदा रखवाने, बाकी कुछ मर गए नहीं। अब बुजी इजाज साहब की तबीयत नहीं सही, उन्होंने तो बैठाए नहीं, बच्चे ने आवाज दी वो बाहर आए नहीं, कुड़िया ने पूछा वो कहते नूडल्स खा लिए ने, तो जी तहमीना जे उन्हें अपना पकाया अपने पोर्शन से बढ़ गई है, तो मैं खा के बह गई सर, तुम रह गए थोड़े अगर लिया के रख दी है, हूँ जो बाकी के बर्तन में वह धोना तुम सह नहीं करो। और रोटी तो मैं खा के दसागा, मैनू ऐ दस बाकी घर उन्हें कितने नहीं। अब जी मैं नहीं पता, पूछ लो लगे पिछे टाइम किन्ना रह गया। दादा बू आ गए, मैं दोस्तों के साथ बैठा था तो हमने पिज्जा बर्गर खा लिया, तो मैं अब फुल हूं, मैंने अब सिर्फ सोना है। और तू तो है बुलाती है ना, और तू दस। और दादा बू मैंने भी रात को मटन कढ़ाई मंगवा के खा ली थी, मैं फुल हूं। तुहाडा ते अल्लाह हाफ़िज़। की दौड़ आ गया किसे नू रमजान दी कदरी कौन नहीं, साढ़े वेले ते रमजान दिया बारह ही कोई और सन, हूं नहीं ओ वेला नेड़े आउंदा। बाजी हाँ ते मीना भला मैं सुती हाँ, मैंने जगा लेना सी। बाजी वेखा तुसी कल्ले सवेरे सवेरे लगे हो हैं, मेरी तो जरा अख लग गई सी, मेरी वड्डी भैन आते रहो, मैनू दस दे मैं भी तुहाडे नाल आके कोई हेल्प शेल्प करांदी। वेखा हां भला तू मैनू वड्डी भैन कहंदी है, ते हिसाब ना तू भी मेरी निक्की भैन होई, ते निक्की भैन नू तकलीफ थोड़ी देंदी है। कोई गल नहीं तू रेस्ट कर, मैं बना लांगी। इजाज साहब जरा दही ले आओ। हां वेखा बाजी भैन कुरान दा सबक पाड़े ने, हैं हुन कुरान छड के ते जाके दही लैन जाणगे, ए तुसी ए भी नहीं कहो वे भी। हां जी मामा जी। वेखा हां ताईया मैं ताया कोनू कहन दे ने कि कुरान छड के ते जाके दही लै जा, तेनू कोई शर्म हया नहीं होंदी भी, उठ मेरा पुत्तर चल जाके दही लै के आ। मैं ला देता हूं। तहमीना ऐ जरा तेरा प्यार है ना, तू उंज मेरी किसे दिन जान ले लेनी है, चल तू आराम नाल उठे बह, हुन मैं सैरी बना के लियानी आ। अपने बच्चे टुंडे ने, तू दही लैन चल, खबरदार चुप करके पैसे जाके वापस दे, आपे अपने बाला नु कलेगी, तू कदी गलो जाए। अभी दे के आता हूं। बड़े मामा ये पैसे पकड़े, मैं नहीं जाना है, मामा कह रही है आपके बच्चे टूटे हैं उनको भेजे। हाँ मैं तेरी माँ दे हर काम करनी है, एक काम अगर उन्हें तेरे नाली मना कर देता है बड़ी खोचल हो रहा है। मैं इतने खिलो के सारा कुछ सुनिया पी, मैडम साहबा लगी सवेरे सवेरे मेरा दिमाग खराब करन, इतने बंदे की कमाइया का रोब ना चाड़ मेरे बालों से, अपने बालों को भेज। हाँ सवेरे सवेरे मेरे मुंह लगेगी तो सारा दिन मेरा खराब जाएगा दाबड़े के मुंह वाली। मनी तेरी चत्तर चत्तर जुबान चलन दी है, छैनी दे मुंह वाली है, मेरे कमोड़ के उत्ते जरा पुश बटन लगे ना उसके वर्गा तेरा मुंह है, तू मैनू गल करेंगी, मेरे बंदे ने मैंने रोके ना होंगे ना तेरे मुंह से, मैं जोड़ के चपेड़ मार दे तेरे पता लगता बदतमीज नहीं। बह जा नहीं बह जा, तेरे वर्गिया डडियां मेरे कमोर से थलो निकलदियां ने, मार के वेपर उठी फेर के रख देनियां, आ उते तेनु मैं 10 मत देनियां, फिर लगी रह कलपदी रह, मैं ते चली हूं। मैं उत्ते आख तेरे उत्ते बह गई ना ते तू उत्ते चढ़ जाना वे, पुतीला पन तेरा सारा निकल जाना वे, अपने बंदे नु भाप ना पुतीला पन जिनी तू थल्ले लाया वे, मैं तेरे थल्ले लगन नहीं लगी। दूजी गल है एक दही मगर इन्नी बकवास कीतिया, मैं हुने शबीरे नु फोन कर दियो घर नु दही फराएदा, एड्डी कोई वड्डी गल नहीं सी, नै शोरत कित्थों मेरे पेश पै गए, क्या छड्ड मेरी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोहर का टाइम हो भी गया, उठो यार फटाफट जाके वजू करते इससे पहले पापा आके डांटे, नमाज पढ़ने जाना है यार। ओ मान पुत्र किथे वे, जोहर दिया जाना हो रही है ना, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किन्नू वाजा मार रहे हो, तुहानू पता है तुहाडा पुत्र बड़ा फरमा बरदार है, तुहाडे कहन तो पहली वजू करन चला गया है। हां जी पापा जी चले कि जमात से लेट ना हो जाए। वाह पुत्र बड़ा शहजादा बच्चा है मेरा, चल चलिए। समी पुत्र समी पुत्र उठ जा, नमाज का टाइम हो गया, मैं वजू करने चलना। तो जाए ना, मुझे क्यों उठा रहे हैं। ओए उठ था, नमाज पढ़ने जाना है, फाकियां का कोई फायदा नहीं। ओए हिल पाया तू, हाले तक उठे ही नहीं, होश फाड़, नमाज लंघ जानी, मैं वजू ही कर रहा हूं। तो जाए ना, मेरी क्यों नींद खराब कर रहे हैं।
ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਜ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਸ ਨਾ ਪੜਵਾ ਲਈ ਗੰਦੀ ਹਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉੱਡਦੇ ਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਵਾਗਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆ ਨਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵਾਹ ਦਾ ਬਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਤੇ ਹੈ ਐ ਕੁਨਾ ਗੋ ਇੱਕ ਨਮਾਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਠਾਇਆ ਤੇ ਕੋ ਕੰਜ ਕੁੰਦਾ ਪਿਆ ਖਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਲਾਡ ਰਵੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਠਾ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਅਸਤਗਫਰ बेटा अफ्तारी का टाइम हो गया मैं आपको सारे घर में ढूंढ इधर बैठे हुए चलो शाबाश मुझे टैंग ला के दो यार मामा मैं नहीं जाना है आगे मुझे इतना रोगा लग रहा है इतनी बुरी हालत हुई हुई है ओफो ये भी बेटा ये भी कोई बात है करने वाली आपको पता है साल बाद तो रोजे आते हैं और अल्लाह पाक कहते हैं कि रोजा एक इम्तिहान है जो अल्लाह पाक के लिए है तो बार बार अगर आप इस तरह बोलोगे मुझे रोजा लग रहा है तो उसका तो सारा स्वाद ही जाया हो जाएगा मुझे देखो मैं सारा दिन किचन में काम करती हूँ आपके काम करती हूँ मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे रोजा लग रहा है उठो शाबाश जल्दी से मुझे चीजें ला के दो मेरा बेटा मामा आपने तो मेरा रोजा जाया होने से बचा लिया लाए पैसे मैं ला देता हूँ आपको अगर कोई भी सामान मंगाना तो मुझे बता दे मैं सारा कुछ ला देता हूँ शाबाश मेरा बेटा ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात आ जाओ शाबाश जल्दी मैं आपको पैसे देती हूँ टाइम हो रहा है जल्दी से मुझे चीजें ला के दो शाबाश यार ये रोजा कब खुलना है मेरा तो बीपी लो हो गया ਸੰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਮਾ ਸ਼ਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਏ ਉਹ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਾਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਛਤਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਬਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਵਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਣ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਐਸੇ ਤਾਂ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਪੀਊਂਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਮੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ ਆਪਕੇ ਘਰ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲੈ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਲ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਭੁੱਖੋ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਲੈ ਆਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀ ਲੈ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖਾਂ ਬਾਜੀ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਖੱਪਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰ ਵਿਛਾ ਤਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਓਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਨਸ਼ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਫਤਾਰ ਬਣਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਨ ਲਗਾਏ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਸਰਖਾਨ ਲਈ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਚੂ ਗਫੂਰ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਚ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਔਰ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੋਫੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬੜੀ ਦੇਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਕਢਵਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਏ ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜੋ ਆਈ ਏ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ
मेरी भैन अफतारी का टाइम है आंदी है तू लड़न लग पई है पहले रोटी खा लो बाद चो लड़ लिया जी इजाज़ साहब मैं गल करन दी है ना जरा दो मिनट रुक जाओ वाह भाई ना तुम्हारी बेगम आप कहे जई ना गल करन रही ना और कि जोड़ू तो गुलाम बने तुम इन बोले भी नहीं है वाह नहीं वाह आंदी मेरे दियोर तक की तवीज पाई मैं तो कुछ आखिया भी नहीं यार भैन तू ही समझाओ ऐ वेखो मेरे जुड़े हाथ तुहाडे च जे कोई वड्डा है ओदी सुन लवो अफतारी दा टाइम है रिश्ते आनगे रहमता वंडन ते तुहाडी बकवास सुन के वापस टुर जांगे मेरी गल सुनो नाल दे घर पहुंचाई जे तुसी एक काम करो ना अपने बीवी बच्चे बेचड़ो ओदे जेड़े पैसे आंगे ओ रश इन्हां नूं पा दो साडी तो कोई फिकर ही नहीं तुहानूं ओ बाजी क्यों कलपण डे हो अफतारी दा टाइम है ठंडे होवो ओ भैन बाजी किथे जे वाह जी वाह समी साहब ओदो दी मैं बह के ऐ ही सोचन दई हां है जदो ओ मेरे नाल लड़दी सी पई ओदो तुहानूं ख्याल नहीं आया नाल ही अपनी बाजी दा ख्याल आ गया एक काम करो हां अब्बा जी नूं लिया के इत्थे पाओ ते मैं टुर जानी उंज वी जगह नहीं हैगी ਲੈ ਟੁਰ ਗਈ ਪਦ ਪਤਨੀ ਪੂ ਪੂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਤਾਰੀਆਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਕਾ ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਮੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਬੂ ਦਰਅਸਲ ਅਬੂ ਮੈਨੇ ਨਾ ਆਪਸੇ ਵੋ एक इजाजत लेनी थी बेटा किस चीज की इजाजत ए ना पापा वो ना मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं पास वाली ग्राउंड में ना क्रिकेट खेलने तो मैं कह रहा था मैं भी उनके साथ चला जाऊं क्योंकि मैंने इफ्तारी भी कर लिया शाह की नमाज भी पढ़ ली और तरावियां भी पढ़ लिया तो मैं उनके साथ चला जाऊं हां बेटा चले जाओ लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना मुझे किसी की शिकायत ना आए और दूसरा ये पूरे दो घंटे बाद आप घर में हो शुक्रिया पापा शुक्रिया ए भी आ गया और यार मेरे बगैर ही खेलने लग गए हो यार वैसे हमें उम्मीद नहीं थी तू आएगा और यार बस बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है यार मेरे पास दो घंटे चलो चलो खेलने खेल ये ले जाने फिर बैटिंग कर बेगम साहबा वेख लो अपनी लाडली औलाद मैं पहली सलाम फेरी तरावी दी ते गैब तुसी मैनू रोकदे सो इनू ना कुछ को मेरा लाडला है मेरा इकलौता है हुण वेख लो पता नहीं की गोल खिलांदा होना यार लाइटर दे लाइटर कोई समी को तो फोन करूं एक दा फोन आ गया हेलो समी किधर है मैं यार ये खोखे पे खड़ा हूँ बता यार उधर क्या कर रहा है मेरे घर आ गेमिंग करें और तेरा दिमाग खराब है मैं उधर अब्बू को चकमा इसलिए दे के हूँ तेरे घर आके गेमिंग करूँ और भाई इधर आना तो आ नहीं तो फोन बंद कर मुझे ना ये छोरों वाले काम नहीं पसंद वैसे भी मैं आके तेरा टाइम तो वेस्ट करता हूँ तुझे ना दोस्त के मियाँ ही भूल गया मैंने नहीं आना नहीं आना ओके अल्लाह हाफिज कुछ घंटे बाद अगला रोजा शुरू हो जाना और मैं ये भी टाइम इसके लिए जाया कर दूं पागल कहीं का